इस वीडियो में देखने को मिलेगा दोस्तों आपको कि बूढ़ी अम्मा को किस तरह से बेइज्जत किया जा रहा है इस बैंक वालों ने। पूरा वीडियो देखिए। मैम साहब ये देखिए मेरी पेंशन रुक गई है, इसको चालू करवा दीजिए। हाँ हाँ कर दूंगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। एक काम करो, आधे घंटे बाद आना। जाओ। आधे घंटा? पिछले 2 घंटे से बैठी हूँ मैम साहब, करवा दीजिए ना। कहा ना आपको एक बारी कि आधा एक घंटा और लगेगा, अभी वैसे भी हमारा लंच टाइम हो गया है। चले जाइए और बैठ जाइए अभी। मैम साहब पूरे 3 घंटे हो गए बैठे हुए और वैसे शाम भी होने वाली है, आप करवा दीजिए। बैंक भी बंद हो जाएगा जब तक, तो करवा दीजिए मैम साहब, मुझे गांव भी जाना है। अरे मालूम है मुझे, और वैसे भी आपका काम है कैश वाला काम है, आज तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा। एक काम करो आप कल आना, अभी जाओ यहाँ से। मैम साहब कल आऊंगी तो मेरे फिर से पैसे लगेंगे, करवा दीजिए ना मैम साहब, पैसे की बहुत जरूरत है। पिछले 4 दिनों से मैं चक्कर लगा रही हूँ, आप तो करवा दीजिए मैम साहब। आपको कहा ना एक बारी कि आपका काम हम करवा देंगे, चली जाइए और हमें डिस्टर्ब मत करिए। और हमने समझ क्या रखा है बैंक को कि जब आप आओगे और आपका काम आपको हैंड टू हैंड मिल जाएगा। मैडम ऐसी नहीं होता है, चलिए जाइए और कल आना। दोस्तों कोई और बैंक नहीं, ये SBI बैंक है इसलिए इतना हरकत करता है, SBI बैंक ही होता है जो इतना हरकत करता है। जरूरत है, घर में कुछ भी नहीं, आटा दाल दे दीजिए मैडम। बुढ़िया तुझे समझ नहीं आता है क्या? तुझे कितने बार समझाना पड़ेगा? तुझे क्या लगता है हम लोग यहाँ फ्री में बैठे हैं? हम लोग यहाँ पढ़ लिख कर बैठे, इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। अब चुपचाप जाकर वहाँ बैठ, ज्यादा परेशान मत कर, और जब तेरा नंबर आएगा ना तुझे बता दिया जाएगा। और अगर इतनी जल्दी पेंशन की तो इसके लिए तुझे कमीशन देना पड़ेगा। कमीशन लगेगा? किस चीज का कमीशन? ओ मतलब तुझे नहीं पता कमीशन के बारे में। चल ठीक है तू उधर जाके बैठ जा, हम किसी को भेजते वो तुझे समझा देगा। अच्छा मैम साहब। पद्मराम जी मैम बोलिए। उस बुढ़िया को कमीशन के बारे में समझा क्या हो? वो कैसे? अरे उस बुढ़िया को ये बोल दो कि अगर उसको पेंशन के पैसे चाहिए तो आधे पैसे हमें देने पड़ेंगे। जाओ। अच्छा समझ गया, मैं भी समझा देता हूँ। मैडम आपको पेंशन के पैसे चाहिए ना? जी साहब पैसे चाहिए, बहुत जरूरत है साहब। मैम ने मुझे कमीशन के लिए भेजा है। हाँ साहब बताइए क्या करना है, मुझे पेंशन की बहुत जरूरत है, घर में आटा दाल कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी करूंगी साहब बताइए। अच्छा मैम आपको महीने में पेंशन के कितने पैसे मिलते हैं? पेंशन के 2500। देखिए मैम 2500 रुपए में से आपको 1000 मैम को कमीशन देने पड़ेंगे। मैडम कमीशन देने पड़ेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या बेटा? 1500 रुपया बचेंगे, उसमें हमारा घर नहीं चलेगा। देखिए मैडम मुझे ये सब नहीं पता, मैम ने मुझे कमीशन के बारे में बताने के लिए कहा था और मैंने आपको बता दिया। अगर आप पैसे नहीं देंगे 1000 तो ना तो आपका सिग्नेचर होगा और ना ही काम जल्दी होगा। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं 1000 रुपया कमीशन के दे दूं, 1500 रुपया बचेंगे, मेरा घर नहीं चलेगा साहब, ऐसे मत कीजिए साहब। देखिए मैडम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप चल के मैडम से बात कर लीजिए। ये साहब क्या बोल रहे हैं? अगर तो पहले ऐसे ही होता था, हर बूढ़ी औरत को उसका पेंशन जो कि इसी तरह किल्लत करके सामना करके उसको लेना पड़ता था, पर आजकल क्या हो गया, मोदी जी ने इसी थ्रू को देखते हुए DBT लिंक द्वारा अपने खाते में पैसा आता है और CSP द्वारा फिंगर लगा के पैसा उठा सकते हैं, कोई झमेला नहीं है। तो मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे बेटा? देख वो सब हमें नहीं पता, हम तेरे 1000 रुपए कमीशन का लेंगे तभी जाके उस पेपर में सिग्नेचर होएंगे और तुझे तेरे पेंशन के बचे हुए 1500 रुपए मिलेंगे। देख मर्जी तेरी है, तुझे रोज इधर आके चक्कर काटना है तो तू काट। देख हम तुझे ऐसे पैसे नहीं देंगे, अब मर्जी तेरी है, 1000 रुपए हमें दे वरना 1500 रुपए से भी अपने हाथ खो बैठ। चॉइस इज योर्स। मैम साहब अब साइन करूँ या ना करूँ ये बता मुझे। अच्छा मैम साहब कर दीजिए। ये ले साइन कर दिए मैंने, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और 1000 रुपए जो हमारे कमीशन के पैसे हैं वो हम रख लेंगे। अब जाओ यहाँ से। ये तुम्हारे पेंशन के पैसे हैं, 1000 रुपए मैं रखूंगी कमीशन के और 500 रुपए और एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि मुझे ऊपर के 2-3 लोगों को एक्स्ट्रा खिलाना पड़ता है, इसलिए तुम्हें 1000 रुपए मिलेंगे। ले लो। मैम साहब
1000 रुपया 1500 आप रखेंगे तो हमारा गश कैसे चलेगा मेम साहब? तो जाए यहाँ से, जब से आई दिमाग खराब किए जा रही है। क्या हो रहा है ये? सर सर आप यहाँ कैसे आ गए? मैं यहाँ चेक करने आया हूँ काम क्या चल रहा है, लेकिन मैम रो क्यों रहे हैं? अरे पागल हो रहा था सर, ये जबरदस्ती अंदर घुस के पैसे मांग रही थी मुझसे और मैंने दे भी दिए इसको 1000 रुपए। अब दे दी ने तुझे 1000 रुपए मैंने, जाए यहाँ से। कोई कहीं नहीं जाएगा जब तक मुझे सच का पता नहीं चल जाता है। सर वो मैम ने आपको बताया तो ना सर, ये भिखारी भीख मांगने आ जाते हैं मुंह उठा के। अब 1500 रुपए हमने दे दिए, वो तो हम दयालु हैं कि इतनी भी मदद कर देते हैं, पर सर इनको भी तो समझना चाहिए ना, जब देखो आ जाते हैं। चले यहाँ से, आप जाइए अब। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग इनकी मदद भी कर रहे हो ऊपर से ये रो भी रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं जान सकता हूँ, बहुत अच्छे इंसान हो तुम तो। फिर ये सर, अगर तुरंत तुम लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो सबकी नौकरी खतरे में चली जाएगी। चलो सच बताओ क्या है। सर मुझे कुछ भी सच में नहीं पता है, ये तो कमला मैम और सुनीता मैम हमेशा कहती हैं कि कोई गांव का अनपढ़ आए तो पहले उससे कमीशन लेना है, उसके बाद ही उनका पेंशन पास करना है, और ये एक दो लोगों के साथ नहीं, पहले भी कई लोगों के साथ हो चुका है, और इसके बारे में मैंने मैम से बात भी किया है, पर ये लोग हमेशा पैसा देकर सबका मुंह बंद करा देती हैं। नहीं नहीं सर, सर वो तो बस ऐसे ही। ये क्या सुन रहा हूँ मैं यहाँ, आप लोग यहाँ पे ऐसा काम करते हैं? बताइए अब आप लोग चुप क्यों हैं? मैम आप रोइए मत, बताइए सच क्या है, बोलिए। साहब ये मेरे पति की पेंशन है, वो मैं लेने आई हूँ, लेकिन मैडम बोलती है कि 1500 रुपया कमीशन लगेगा, अगर वो नहीं दोगे तो मैं सहन नहीं करूंगी, साहब मुझे पेंशन नहीं मिलेगी। सर ये झूठ बोल रही है, पागल हो रहा था ये। आपको शर्म नहीं आती कमीशन लेते हुए और गरीब लोगों से? क्या बोल रही है मैम बताइए, अब आपकी सैलरी कितनी है? सर मेरी सैलरी 20,000। 20,000 और आपकी? सर 35,000। 35,000। अगर मैं आपको सैलरी ना दूं और कमीशन मांगूं तो आपको कैसा लगेगा? आपको अगर मैं ये कहूं कि आपको मैं 15,000 ही दूंगा, 5,000 कमीशन काटूंगा, और आपको मैं बोलूं 10,000 कमीशन काटूंगा, आपको 25 ही मिलेगा, तो आप लोग क्या करेंगे? आपका खर्चा नहीं निकलेगा ना, आपको बुरा लगेगा, लगेगा ना, क्योंकि आपके हक के पैसे हैं। उसी तरीके से ये इनके हक के पैसे हैं जो आप लोगों ने ले लिया। आपको शर्म नहीं आती ये कितनी मेहनत करते हैं तब जाके थोड़े बहुत पैसा कमा पाते हैं? आप लोगों की बात पता नहीं चलेगी क्योंकि आप लोग आराम से एसी में बैठे रहते हैं, सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाती है, दिन रात धूप में पसीना भागे लोग कमाते हैं तब जाके दो वक्त की रोटी मिलती है इनको, लेकिन आप जैसे लोगों को इनकी कंडीशन समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ तो थाली में मिल जाता है, घर से आने के लिए गाड़ी मिल जाती है, घर जाने के लिए गाड़ी मिल जाती है, रहने के लिए अच्छा घर मिल जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों का पैसा लेंगे, और आपने जो गलती की है उसकी सज़ा आप लोगों को मिलेगी, और आप लोगों की सज़ा यही है कि आप लोगों को डिसमिस किया जाता है। क्या? सॉरी सर, सर प्लीज़ ऐसा मत करिए सर। और तुम एक लिस्ट बनाओ जिनके भी इन्होंने हक के पैसे खाए हैं, उनको उनके हक के पैसे दिलाओ, क्योंकि इनके 2 महीने की सैलरी बाकी है, तो उसमें से कट करके उन सबको पैसे दे दो। समझ गए मेरी बात? जी सर। चलिए पैसे दीजिए इनको, पैसे दो इनको। अभी जो कुछ भी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आगे से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत हो आप डायरेक्ट मुझे बोल सकते हैं। ध्यान रखिए।